हेलो फ्रेंड्स, सो एथिकल मसाला सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक्चुअली ये एक कंटिन्यूटी के साथ हम लोग ये सीरीज़ कर रहे हैं, तो आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ये मेरा एक आइडिया है। अच्छा, इसके अलावा राज मल्होत्रा IAS जो है नए कोर्सेज लेके आने वाला है, और प्री सेंट्रिक कुछ कोर्सेज हैं, 4th ऑफ नवंबर और 11th ऑफ नवंबर से कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है, और YouTube पे भी कुछ उसको हम लोग डालने वाले हैं, तो आप लोग टच में रहना। अब हम चलते हैं कि आज हम देखते हैं कि एथिक्स और लॉज की क्या डिबेट होती है, कानून और एथिक्स का कैसे रिलेशन है, और कैसे जो है ये कभी कभी एक दूसरे के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो एथिक्स को हमें पता है एथिक्स क्या है। एथिक्स आर द सेट स्टैंडर्ड्स इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके बेस पे हम राइट और रॉन्ग को डिस्टिंग्विश करते हैं। ये एथिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। अब एथिक्स क्या करता है, सेट्स द स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज एंड मोरालिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो वैल्यूज और मोरालिटी होती है उसके स्टैंडर्ड्स को सेट करती है एथिक्स। कानून क्या करता है, लॉज आपको पता है रूल्स रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, कानून जो है लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया एक कानून है, मतलब ऐसा है कुछ रूल्स रेगुलेशन अगर लेजिस्लेचर बनाता है। तो अब लॉज क्या करता है, री इन्फोर्स द मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड डेटर पीपल फ्रॉम डेविएटिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड नॉर्म्स। जो सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं, लॉज एंश्योर करता है कि लोग उससे ना हटें एक्सेप्टेड नॉर्म्स थे, और डेटर करता है लोगों को, डराता है कि आप ऐसा गलत ना करें। समाज के अंदर ये एक्सेप्टेड नॉर्म है कि कोई किसी को नहीं मारेगा, मर्डर किसी का कोई नहीं करेगा। तो जो IPC 302 है, धारा 302, वो डेटर करती है कि आप अगर किसी का मर्डर करोगे तो उस धारा के तहत आपको सजा मिलेगी। ये कानून है, री इन्फोर्सिस द मॉरल स्टैंडर्ड को री इन्फोर्स करता है, बार बार आपको ये ध्यान में रखता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ये उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, आपको सजा मिलेगी। तो इससे जो है आप उस मॉरल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, कानून का ये काम होता है। जैसे कि कानून आपको ये बताएगा कि आप चोरी ना करें, चोरी की सजा के बारे में कानून आपको बताएगा, तो वो आपको तैयार करता है कि आप चोरी ना करें, मॉरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपको रखने की बात करता है कि आप डेविएट ना करें, आप उन सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट करें कि चोरी ना करना एक सोशल सोसाइटी, एक सिविल सोसाइटी की जो है एक अच्छी सोसाइटी लक्षण होते हैं ये। अब हम देखते हैं कि जो लॉज और एथिक्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली टू इंपॉर्टेंट व्हील्स, दो पहिए हैं ऑन विच द सिविलाइज सोसाइटी मार्च फॉरवर्ड। उन दो पहियों पे सिविलाइज सोसाइटी आगे की तरफ बढ़ती है। कानून और एथिक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये जान के आपको ये समझना पड़ेगा कि हर जगह कानून नहीं पहुंच सकता, लेकिन एथिक्स जो है वो हर व्यक्ति के लिए पहुंच सकता है, इसलिए एथिक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एथिक्स आपके सेल्फ चेक का एंगल है, आप किसी भी गलत करने से पहले अपने आप से सोचेंगे, वो एथिक्स का काम होगा। तो ये बात को ध्यान रखनी है, हर जगह कानून सिर्फ बाहर सोसाइटी के कुछ एरियाज में लग सकते हैं, आपके घर में नहीं लगेगा, लेकिन एथिक्स हर जगह लगेगी, ऐसा होता है। अब ये हमने देख लिया, अब हम ये एक डायग्राम देखेंगे कि कैसे जो है ये लॉ है, ऊपर वाला बबल सेमी, ऊपर वाला सेमी सर्कल, और नीचे ये उसका बेस है एथिक्स की। कानून का बेसिकली एथिक्स जो होता है वो कानून का बेस होता है, कोई भी कानून अनएथिकल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कानून डार्क एरियाज में मेंशन कर रखे हैं मैंने, कुछ कानून जो हैं वो एथिक्स के बाहर चले जाते हैं। जैसे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत आपकी सिविल लिबर्टीज जो हैं कुछ छीनी जा सकती हैं, इसलिए वो थोड़ा अनएथिकल हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमें वो लगाना पड़ता है। दूसरा एंगल ये, आपको अगर किसी को केस ध्यान है तो सविता हलालंकर का केस हुआ था, शी वॉज अ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन थी, इंडियन वुमेन थी, आयरलैंड में थी, लेकिन उस टाइम का आयरिश लॉ ये कहता था कि अगर आपके पेट में बच्चा है तो आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, लेकिन इसके चक्कर में क्या हुआ, शी डाइड। आफ्टर दैट आयरिश जो उनका लेजिस्लेचर है उन्होंने वो कानून बदला, लेकिन वहां पे कानून के चक्कर में डॉक्टर्स ने उसका इलाज नहीं किया, सो दैट वॉज अनएथिकल। वो अपनी लीगली देवर राइट, बट एथिकली देवर रॉन्ग, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, और एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा कि कैसे जो है डॉक्टर्स ने अपने कानून को फॉलो किया उन्होंने, लेकिन किसी की जान उन्होंने नहीं बचाई,
ये देखना पड़ेगा। अगर वो अबॉर्शन कर देते हैं स्पेशल केस समझ के, तो उस वुमेन की जान बच जाती और उस बच्चे की भी शायद जान बच जाती। तो ये जो है कॉम्प्लिकेशन वाला एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो है डॉक्टर्स वर लीगली राइट बट एथिकली रॉन्ग। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि कभी कभी जो कानून है आपका, वो कानून आपसे एथिकल बिहेवियर डिमांड करता है। जैसे कोई एल्डरली पीपल के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है या कोई लॉ लेके आता है, तो वो ये कहता है कि आपको एथिकल कंडक्ट रखना पड़ेगा। जैसे एल्डरली केयर, अपने बड़ों की केयर करना, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल एक लॉ है कि अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करता तो उसके कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। फिर चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है अपने बच्चे को एजुकेशन देना। तो वो जो है कैसे कानून एक आपसे डिमांड कर रहा है कि आपका कंडक्ट एथिकल हो, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब हम आगे चलते हैं कि कैसे जो है एथिक्स जो है आपके स्टेट को गाइड करता है। जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, वेलफेयर, ये जो है एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ये एथिकल गाइडलाइंस हैं जो आपके स्टेट को फॉलो करनी पड़ती हैं। ऐसा बोला जाता है कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट एथिकल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट एथिकल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि उसमें वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट होता है। तो वेलफेयर करना, लोगों की, गरीब लोगों को ऊपर लेके आना, उनकी मदद करना, ये जो है ये एथिकल कंडक्ट में काम आता है और ये स्टेट को गाइड करता है। एथिक्स आपके स्टेट को भी गाइड करते हैं। अब उन गाइडलाइंस के इंप्लीमेंटेशन के लिए कानून बनता है, जैसे राइट टू एजुकेशन। उन गाइडलाइंस के इंप्लीमेंटेशन के लिए कानून बनाया जाता है, वो है ये राइट टू एजुकेशन, उसका एग्जांपल। अब हम देखेंगे कि एथिकल अप्रोच और लीगल अप्रोच डिफरेंट कैसे होती है। एथिकल अप्रोच क्या कहती है कि आप किसी का ना बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज करो थ्रू एजुकेशन, सोशल इन्फ्लुएंस, पर्सुएशन। आप किसी का ना एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज करो। स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ने चलाया, गवर्नमेंट कानून ये बना सकती है कि जो अपने घर से बाहर जाके डिफिकेट करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है कि बिहेवियरल चेंज लेके आए। स्पेशल फोकस गवर्नमेंट का बिहेवियरल चेंज की ऊपर है, लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने की बात कर रही है सरकार। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लीगल अप्रोच क्या कहती है, कानूनी अप्रोच क्या कहती है? कानूनी अप्रोच होती है कि यूज ऑफ फोर्स बाय द स्टेट। स्टेट जो है फोर्स यूज करता है, स्टेट फोर्स यूज करती है लीगल अप्रोच में, और उसके साथ पनिशमेंट एसोसिएटेड होती है। स्टेट अगर फोर्स यूज करेगी और उसके साथ पनिशमेंट एसोसिएट करेगी तो उससे थोड़ा कोअर्शन होगा, लोगों के बीच में डर पैदा होता है, तो जो कि सही नहीं होता। जहां पे आपके स्टेट हट जाएगा, लोग फिर दोबारा वैसे हो जाएंगे। इसलिए बिहेवियरल और एटीट्यूडनल चेंज जो होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो आपके अंदर सेल्फ चेक लेके आता है। जो सेल्फ चेक आपका फर्स्ट चेक होता है, आप कुछ भी गलत करने से पहले अपने आप से सवाल करेंगे, वो लेके आता है आपका बिहेवियरल और एटीट्यूडनल चेंज, वो है आपकी एथिकल अप्रोच। अब हम आगे देखते हैं कि प्यूनिटिव कैसे होता है, कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड 354, कि आप किसी वुमेन के साथ मिसबिहेव करते हो तो ये लीगल प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट देती है। हर केस में एथिक्स काम नहीं करता, आपको डेटरेंस भी क्रिएट करना पड़ता है, प्यूनिटिव भी होना पड़ता है। एथिक्स और लॉज के बीच में एक बैलेंस होना जरूरी है, तो इसके बारे में ये बात करता है। अब ऐसा होता है कि हर जगह बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है, देर आर स्ट्रिक्ट लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन, बट वुमेन स्टिल इज इनसिक्योर। बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, हर हमारे पास बहुत सारे कानून है, IPC है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, लेकिन फिर भी वुमेन इनसिक्योर फील करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पैट्रियार्कल माइंडसेट है। अगेन एटीट्यूड की बात आ गई, माइंडसेट की बात आ गई, बिहेवियर की बात आ गई, तो पैट्रियार्कल माइंडसेट प्रॉब्लम है। तो पैट्रियार्कल माइंडसेट को आप कानून के थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन पर्सुएशन के थ्रू कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, उसके लिए आपको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए होगी। तो वो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं कि कैसे जो है दोनों के बीच एक बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। पर्सुएशन चलना पड़ेगा एजुकेशन के थ्रू, सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू, लोगों के अंदर उनके सोचने के तरीके में बदलाव लेके आना पड़ेगा, वो है आपकी एथिकल अप्रोच। और लीगल अप्रोच आपके कानून जो होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप नकार नहीं सकते किसी को। फिर ऐसा बोला जाता है कि गुड लॉज एंड करप्ट मोरालिटी कैन नॉट को एग्जिस्ट। अगर आपके पास अच्छे कानून है लेकिन मोरालिटी जो है समाज की या फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने वालों की, वो मोरालिटी करप्ट है, तो वो कानून किसी काम के नहीं होंगे। या फिर आपके पास करप्ट मतलब कानून खराब है, ठीक है, और मोरालिटी सब अच्छी है, तब भी जो है वो इफेक्टिव नहीं होंगे।
अगर आपके पास कानून खराब है और आप बोल रहे हो कि समाज मोरल है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर इमोरल एलिमेंट्स होंगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ऐसे हम लिखेंगे, ये लाइन आप लिख सकते हो कि गुड लॉज एंड करप्ट मोरालिटी कांट को एग्जिस्ट। भाई अच्छे कानून और करप्ट मोरालिटी एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते। तो ये एक है। इसके साथ अब हम एक अब हम वो देखेंगे कि लॉज और एथिक्स के अंदर ये एक जैसे वो डिफरेंसेस कैसे करेंगे हम। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफरेंसेस बताओ लॉज और एथिक्स में, तो एक 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 वर्ड के अंदर हम इसको ऐसे देखेंगे। देखो लॉज एथिक्स इंप्लीमेंटेशन बाय स्टेट, इसके अंदर सेल्फ एंड सोसाइटी। एथिक्स को सेल्फ आदमी खुद या फिर सोसाइटी जो है वो इंप्लीमेंट कराती है, लॉज को स्टेट ही इंप्लीमेंट कराएगा। ये फॉर्मली इन्फोर्स होते हैं, कानून आपके फॉर्मली इन्फोर्स होते हैं और एथिक्स इनफॉर्मली इन्फोर्स होते हैं। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, आपसे कोई साइन नहीं कराएगा आपको एथिकल होना है कि नहीं होना, आप इनफॉर्मली अपने आप को एथिकल बनाओगे, कोई बोलेगा नहीं। फिर इसकी अगर वायलेशन होती है कानून की, तो उसके अंदर पनिशमेंट मिलेगी। एथिक्स के अंदर अगर वायलेशन होती है तो शायद पनिशमेंट ना मिले, जरूरी नहीं है कोई पनिशमेंट मिले। एथिक्स के अंदर पनिशमेंट मिल भी सकती है, लोग एक साथ हो गए रिपोर्ट कर दें या फिर खुद अपने लेवल पे कुछ कर लें, बायकॉट कर सकते हैं आपका, तो इस टाइप की पनिशमेंट जो है हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है ये पनिशमेंट होगी। कानून के अंदर वायलेशन पे पनिशमेंट होगी। कानून के इंप्लीमेंटेशन के लिए आपके बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, एथिक्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई एजेंसी नहीं होती। ये सिर्फ कैसे इंप्लीमेंट होता है, आप या तो सोशल रिफ्लेक्शन आप दिखाते हो कि आप समाज की रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो अपने कंडक्ट के थ्रू, कि जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो मेरा रिफ्लेक्शन ये होगा कि मैं भी सबके साथ डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक वे में सबके साथ बात करूंगा, सबको इक्वल समझूंगा। ये मेरी अप्रोच होगी, इगैलिटेरियन अप्रोच होगी मेरी चीज़ों को देखने की। और या फिर कन्फर्मिटी कि भाई समाज के जो नॉर्म्स हैं मैं उनको फॉलो करूंगा, कन्फर्मिटी मैं अपनी कन्फर्मिटी देता हूँ कि मैं इन नॉर्म्स को फॉलो करूंगा, कि मैं खुद सेकुलर बनूंगा, मैं खुद डेमोक्रेट बनूंगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों के डिफरेंसेस को देख सकते हो। तो ये एक जो है छोटा क्रिस्प और ठीक ठाक समझ में आ गया हो। अगर आपको इसमें कोई इश्यूज आते हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।